खुलासे तथा मूल मात्रक होते हैं, और दो कोटिपूरक ऐसे लिखा जाएगा, कोटिपूरक, दो कोटिपूरक राशियां होती हैं, दो कोटिपूरक राशियां होती हैं। देखो अब हम मूल राशियां लिखने वाले हैं, एग्जाम में आती रहती हैं, ऐसी कोई साल नहीं जाता कोई ना कोई मूल राशि जरूर आती है, वरना पूरी की पूरी साथ के साथ मूल राशि पूछ लेते हैं, साथ ये मूल राशियों की टेबल बनाइए, पूरी पूरी मूल राशि बताइए। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे मूल राशियां तथा मूल मात्रक, कैसे अभी तुम्हारी टेबल बनेगी, पहले देखते रहो कभी जगह गड़बड़ हो जाए तुम्हारी। यहाँ लिखेंगे हम, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, और यहाँ है भौतिक राशि, भौतिक राशि नहीं मूल राशि, और यहाँ आ जाएगा मूल मात्रक, मूल मात्रक, और जी यहाँ आ जाएगा प्रतीक, और जी इधर एक लाइन और खींचेंगे और जाएगी क्रम संख्या, ऐसा करके अब सुन लो पहले देखते रहो उसके बाद तो फिर तुम खुद ही बना लोगे। पहली अगर जो मूल राशि की बात करें, पहली मूल राशि कौन सी होगी हमारी, तो पहली मूल राशि होती है लंबाई, लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता ये लंबाई का जो मात्रक होगा होगा मीटर, क्योंकि तो लंबाई को हमेशा मीटर में नापा जाता है, और जी उसे हम एम से दर्शाएंगे। उसके बाद जो है वो दूसरी, द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम, और इसका जो प्रतीक है ना वो केजी होता है, यह है वो है विद्युत धारा, विद्युत धारा अभी बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं समय, समय, और समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड को हम ना ऐसे लिख देते हैं, विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या एम्पियर, और हम ऐसे ही दर्शा देते हैं। पांचवा जो है ताप, और ताप का मात्रक केल्विन बटा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, और इसे हम सीडी से दर्शाते हैं, और जी इसके जो मान है वजन है वो हम कैसे लेते हैं, पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को ना मोल में नापते हैं, और मोल को हम मोल ही लिखेंगे। ये तो है हमारे पास मूल राशियां, मूल राशियां। फिर इसके बाद जो है वो दो कोटिपूरक राशि भी होती हैं,
अब कोटि पूरक राशियां जो हैं वो पहली राशि है समतलीय कोण, समतलीय कोण, समतलीय कोण का जो मात्रक होता है ना वो होता है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन, और उसे आर डी से दर्शाते हैं। फिर दूसरा जो है ना वो है घन कोण, एक होता है समतलीय कोण, एक होता है घन कोण। समतलीय कोण जो अब तक तुमने कोण बनाया ना वो सब समतलीय ही बनाए हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री। घन कोण जो होता है ना ये 3 दिशाओं में बनता है, यानी कि लंबाई में बनेगा, चौड़ाई में बनेगा, ऊंचाई में, जैसे किसी कोने का, जैसे कोना होता है तो वो कोना जो होता है वो घन कोण होता है। तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो जी स्टेरेडियन। इस तरीके से तुम्हारे पास ये 7 मूल राशि होती हैं और 2 कोटिपूरक राशियां होती हैं। इस तरीके से तुम्हारी कितनी कुल मिलाकर 9 राशि हो जाती हैं। ये इसमें SI पद्धति द्वारा 7 की 7 मूल राशियां बताई गई हैं। ये मूल राशि वो हैं कि इन्हीं राशियों से मिलकर अन्य राशि बनती रहती है, मतलब इन्हीं के मात्रा घूम फिर के लगते रहते हैं। ये मुख्य राशि है, इन्हीं से मिलकर दूसरी राशियां बनती रहती हैं। तो वो हेडिंग डालेंगे और ये पूरे टेबल बना लेंगे।